नमस्ते, मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम कुछ खत्री समूहों का नामकरण कैसे हुआ वह जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम यह जानेंगे कि टंडन नाम कैसे पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि तांडायन गोत्र से टंडन नाम बना है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सदा लड़ने के लिए प्रस्तुत रहने वाले खत्री टंडन कहलाए। अब हम यह जानेंगे कि तालवाड़ या तलवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यह यदुवंशी कुल के खत्री है और यह खत्री और ऋणी के समय से वशिष्ठ कुल को अपना पुरोहित मानने लगे। भीष्म जी और बलदेव जी की ध्वजा में जो ताल वृक्ष का चिन्ह था, इसी से वे ताल केतु कहलाते हैं। यह चित्र ध्वजाओं में ताल जंग कुल की स्मृति में ही रखा गया था। शब्द बिगड़कर तालावाड़ हो गया और बाद में तालवाड़ तलवार हो गया। इस प्रकार तालवाड़ या तलवार नामकरण हुआ। अब हम यह जानेंगे कि महेंद्र खत्री समूह का नामकरण कैसे हुआ। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। एक उदार खत्री ने अपना अन्न भंडार खोल दिया और हजारों सारस्वत ब्राह्मणों व खत्रियों को मृत्यु के मुख में जाने से बचाया। उन्हें महान इंद्र के समान दानी की पदवी ब्राह्मणों द्वारा धन्यवाद तथा सम्मानार्थ मिली। तभी से इस परिवार के वंशज महेंद्र कहलाने लगे। अब हम यह जानेंगे कि खत्री समूह का नाम धवन कैसे हुआ। धवन शब्द संस्कृत के धावन शब्द का अपभ्रंश है। युद्ध भूमि में एक स्थान से दूसरे स्थान को समाचार ले जाने वाला धावन कहा जाता था। प्राचीन काल में जो खत्री धावन का कार्य करते थे उनके वंशज धवन कहलाए। अब हम यह जानेंगे कि एक खत्री समूह का नाम बहरा या बहोरे या व्यूहरे कैसे हुआ। संस्कृत में व्यूह शब्द का अर्थ है सेना को एक विशेष ढंग से रणभूमि में खड़े करना। सूर्यवंशी क्षत्रियों के जो परिवार इस कला के मर्मज्ञ थे वे व्यूहरा या बोहरा कहलाए। बाद में ब्याज पर ऋण देने वाले महाजनों को भी बोहरा या बोहरे शब्द से संबोधित किया जाने लगा। अब हम यह जानेंगे कि चड्ढा सरनेम कैसे हुई। जो खत्री अच्छी घुड़सवार थे वे अच्छी घुड़सवारी के कारण चड्ढा कहलाए। इनके वंशज इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम यह जानेंगे कि एक खत्री समूह का नाम कोचार या कोचर कैसे हुआ। कवच धारण करने वाले कोचार कहलाए, जो आगे चलकर कोचर हो गया। अब हम यह जानेंगे कि भल्ला या भल्ले सरनेम कैसे पड़ी। भाला चलाने में निपुण होने के कारण खत्रियों की एक शाखा भल्ला कहलाने लगी। इस प्रकार आज हमने यह जाना कि खत्री जाति में कुछ सरनेम का नामकरण कैसे हुआ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।